एक से अधिक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, जिनसे वो बना सकते हैं अपना सही क्रेडिट स्कोर। आवश्यकता के समय जिस तरह से क्रेडिट कार्ड हमारे काम आता है, उसी तरह से यदि क्रेडिट कार्ड को सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये मुसीबत भी बन जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है जरूरी काम न होने पर भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं, और जब बिल भरने का समय आता है तो चिंता में घूमते फिरते हैं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल न करना और समय पर बिल चुकता न करना आपके सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर को खराब करता है, जिसके चलते आप भविष्य में कोई भी लोन पास नहीं करवा सकते, और आपकी इस तरह की आदतों से आपका क्रेडिट कार्ड जब्त भी हो सकता है। ऐसे में जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उन्हें अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। यदि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है और आपको दूसरे बैंकों से क्रेडिट कार्ड के लिए फोन आ रहे हैं, ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा है कि और क्रेडिट कार्ड लें या फिर ना लें, तो यहाँ जानिए कि किन परिस्थितियों में आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और अधिक क्रेडिट कार्ड से क्या नुकसान है। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड लिमिट समस्या बन रही हो तो एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। जब आप एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपकी सैलरी या इनकम के सोर्स के हिसाब से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट तय कर दी जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है आपकी इनकम भी बढ़ती है, लेकिन कई बार बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से इनकार कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अधिक क्रेडिट लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% ही आपको रेगुलर यूज करना चाहिए। इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए की लिमिट वाला एक क्रेडिट कार्ड लिया है और आप हर महीने 70,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आप अपनी क्रेडिट लिमिट का 70% यूज कर रहे हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी नीचे जाएगा। इस स्थिति में भी आप एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन रेट भी बना रहेगा। नंबर 2, नए क्रेडिट कार्ड में क्या ऑफर मिल रहा है तो करें एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई। जब आपको एक नया क्रेडिट कार्ड ऑफर हो तो उसके साथ मिलने वाले ऑफर्स को भी जांच लें। मान लीजिए उस कार्ड पर कोई ऐसा ऑफर हो जो आपके मासिक खर्च में बचत करता हो, तो आप उसे ले सकते हैं। जैसे यदि नए क्रेडिट कार्ड पर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाने पर कैशबैक मिलता हो, ऐसे ऑफर आपको रोज के खर्चों में फायदा पहुंचाते हैं। इस स्थिति में आप नया क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच सकते हैं। नंबर 3, कोई बड़ा खर्च आने वाला हो तो करें एक से अधिक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई। यदि आपको पहले से पता हो कि आपके सामने कोई बड़ा खर्च आने वाला है, ऐसी स्थिति में आप पहले से ही उस संभावित खर्च के लिए तैयार होने के लिए एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक क्रेडिट कार्ड लेने के नुकसान। एक से अधिक कार्ड होने की स्थिति में आपके कर्ज के जाल में फंसने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। एक से अधिक कार्ड का मतलब एक से अधिक ड्यू डेट। यदि आप एक बार फिर किसी कार्ड का बिल भरना भूले तो आपको भारी ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब होगा। हिडन चार्जेस से खुद को बचाएं। कई बार कंपनियां सालाना फीस या फिर अधिक ब्याज दर जैसे हिडन चार्जेस आपसे छुपा लेती हैं। ऐसी दशा में नया कार्ड लेने से पहले उसकी सारी जानकारी जरूर कर लें। अगर आपके पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड है, कई बार बैंक आपको बड़े लोन जैसे होम लोन या ऑटो लोन देने से मना कर देते हैं। ये खबर एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल पर आधारित है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।